ये पहला मौका नहीं है जब कनाडा ने भारत पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, बल्कि कनाडा से लगातार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें खालिस्तानी समर्थक आतंकी भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं और भारत के अखंडता पर प्रहार करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भारत की बार बार चेतावनी के बावजूद कनाडा की तरफ से ऐसे आतंकियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। जानकारी के लिए आपको बताएं तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा खालिस्तानियों का समर्थन और निज्जर की हत्या का इस्तेमाल एक सियासी टूल के तौर पर किया जा रहा है। दरअसल ट्रूडो को 2021 चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उनकी सरकार को खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह धानीवाल के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी NDP ने समर्थन दिया था। NDP की मदद से ही ट्रूडो की सरकार चल रही है। बताया जा रहा है कि जगमीत सिंह के दबाव में ही ट्रूडो ने भारत पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। कनाडा में 2025 में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसको देखते हुए ट्रूडो को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। कनाडाई मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में जस्टिन ट्रूडो अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। जस्टिन ट्रूडो महज 44 साल की उम्र में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन साल 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी लोकप्रियता अब लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में वो खालिस्तानी नेताओं के समर्थन से लगातार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आपको बताएं तो कनाडा में भारत के वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को एक गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और निज्जर की हत्या का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर लगाया। हालांकि भारत ने भी कनाडा के इन आरोपों के बाद एक कई बड़े एक्शन लिए। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद सबसे पहले 19 सितंबर को भारत ने जस्टिन ट्रूडो के इन आरोपों को निराधार करार दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो के द्वारा दिए गए ऐसे बयान खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की एक कोशिश है जिसे कनाडा में आश्रय मिल रहा है। हालांकि ये बात भी ध्यान देने वाली है कि आखिर भारत की कई चेतावनियों के बावजूद भी कनाडा ने भारत विरोधी ताकतों का समर्थन जारी रखा। ट्रूडो के बयान के बाद 19 सितंबर को भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को तलब किया। भारत में कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला भी लिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी कनाडा के उच्चायुक्त को भी दी। भारत ने अपने इस फैसले के बाद कनाडा के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लिया और कनाडा को मौजूदा समय में भारतवासियों के लिए एक असुरक्षित देश के तौर पर चिन्हित किया। इसके साथ ही भारत ने कनाडाई लोगों के लिए भारत आने के लिए वीजा सेवाओं को भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।